आदाब, मैं लाल मोहम्मद शेख, पब्लिक चैनल। दोस्तों आज मैं सेंटर पब्लिक स्कूल में हूँ, किस्मत कॉलोनी के अंदर ही आती है ठाकुर बिल्डिंग के पास, और यहाँ की कुछ शिकायत थी तो हमारे पास ये शिकायत आई तो हम वहाँ पर आए, वहाँ के प्रिंसिपल से मिल रहे हैं, और जिस महिला के बारे में शिकायत थी कुछ फीस को लेके वो भी आई है हमारे पास, उनको भी मतलब कुछ फंड वगैरह गवर्नमेंट से या सहारा से मिलता है उनको, तो हम उसी बारे में यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं। तो और यहाँ पर कुछ लोग जो है इस स्कूल में आके दादागिरी करते हैं और टीचरों के साथ बदतमीजी करते हैं, इसीलिए हम आए हैं, हमको ये शिकायत मिली थी। हम कुछ जानकारी आपको सच्चाई दिखाने जा रहे हैं, आप हम उनके प्रिंसिपल से बात करते हैं कि इस बारे में क्या हुआ है और किसने धमकी देके गया है और क्यों देके गया है। उनका कोई लड़का है जिसे मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन स्कूल में आकर के वो सीधे प्रिंसिपल रूम में आने की पूरी कोशिश करता है। अगर वॉचमैन उसे रोकने की कोशिश करेगा, आप मत जाओ, मैडम से पूछ लेते हैं, फिर जाओ, नहीं मुझे मिलना है, वो अपने आप को ये बताने की कोशिश करता है कि मैं इस एरिया का पूरा दादा हूँ, अपने को NCP का कैंडिडेट बताता है। वो कोई भी औरत मिल जाएगी उसको लेके अंदर में आएगा, चलो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ। प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व हो सकती है हमारी उस औरत के मिलने से, जो कि औरत की फीस पे नहीं थी पूरी साल, और उसको मैंने कहा था आप फीस पे करिए, उसको ट्रस्ट फंड मिला हुआ था, उसके बावजूद भी उसने पे नहीं किया, इसी वजह से उसका मामला अटका था। तुम पहले क्लियर करोगी तुमने ट्रस्ट का फंड क्या किया, उसके बाद फिर आपके बच्चे एग्ज़ाम भी लिए जाएंगे। और उसको उसने इस तरह से कर दिया कि स्कूल की प्रिंसिपल बैठा नहीं रही है, बच्चों को टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है, तो ये आप खुद ही देख सकते हैं कि स्कूल में क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। नहीं तो ये कितनी बार मतलब कितनी बार हो चुका है ये स्कूल में, और आपने इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई, आपने पुलिस कंप्लेंट करी कि नहीं करी आपने, और क्यों नहीं किए फिर? ये हरकत कर चुका है जिसे टीचर काफ़ी खफा है और कहती है कि मैम इसको कंप्लेंट करो, लेकिन फिर भी जाती इसी एरिया का वो लड़का है, ये सोच करके कि भाई जाने दो शायद अगली बार इस तरह की हरकत नहीं करेगा, ये सोच के छोड़ दिया गया। लेकिन अभी जिस तरह की उसने हरकत किया, मीडिया बुलाया और उनसे गलत बयानी किया सारी बातों को जो सच्चाई नहीं थी, इसीलिए आज हमें मीडिया के सामने आके ये बात बोली। कौन है आपका हासिम? हासिम से मेरा कोई जान पहचान नहीं है सर। फिर मेरे को हासिम ने कुछ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बोला, उसके बाद आया स्कूल में से, फिर बाद में गया हूँ तो मैं अपने घर पे चली गई, मैं चली गई लेटर लेके, तो फिर हासिम ने किसी न्यूज वाले लोग को बुलाया था, बोला कि इसमें तुम बोलो, तो मुझे तो लग रहा है कि वो उसका भी मामला था, बाकी मेरे पे वो वार किया, उसने मेरे को वार किया, मेरे को भी उसने लाके बीच में खड़ा कर दिया, तो मेरे को भी जो आया मेरे मन में जो आया मैंने बोली, जो हुआ था मेरे बच्चे लोग के लिए मैं सर मैं इधर उधर भटक रही हूँ, मेरे को अच्छा घर में बच्चे लोग को बिठा के मुझे अच्छा लग रहा है अभी, तो ट्रस्ट से आसिम ने जबरदस्ती आपसे बुलवाया ये सब चीजें? हाँ, मुझे घर से बुला के लेकर आए, बोले न्यूज वाला आ रहा है तुम न्यूज वाले के सामने बोलो और मुझे भी बोलना है, तो पहले उसने स्टार्ट किया, फिर बाद में मुझे बोलने के लिए, मुझे तो ज्यादा बोलने भी नहीं दिया उसने, मैं खाली थोड़ा ही बोली, मैंने जो बोली वो आपको सामने है आप देख लो, इसके अलावा मैं कोई गलत में स्कूल के बारे में नहीं था। आपको स्कूल में प्रिंसिपल ने आपको सहूलियत दी है? बहुत ही है, बहुत ही है, मेरे बच्चे दो साल से पढ़ रहे, गए साल में मैंने एक भी पैसा नहीं भरती, बाकी मैडम ने मेरा बहुत साथ दी, मेरे बच्चे पढ़ रहे, कभी मैडम ने ये नहीं बोले कि तुम अपने बच्चे को निकालो क्योंकि तुमने फीस नहीं भरी। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्कूल वाले भी उतनी ही बर्दाश्त कर सकते हैं जितनी उनकी हिम्मत और ताकत होती है, ये हम कुछ पिछले आपको रिजल्ट भी दिखा रहे हैं जो कि इसी तरीके से लोग अपने बच्चों को पढ़ाए और उनका पेपर हो गया उसके बाद उन्होंने फीस भी नहीं भरा, ये रिजल्ट आपके सामने पड़े हुए हैं, तो स्कूल वाले भी क्या करेंगे, वो कहाँ से पूरा करेंगे? जो सही स्कूल इस वक्त मुमरा कौसा के अंदर चल रही है वो इसी तरीके से लोग उसको बदनाम करके और उसकी कुछ इमेज खराब करना चाहते हैं। पब्लिक स्कूल क्लर्क है और इनसे भी हासिम ने कुछ बदतमीजी की है, तो आइए हम उनसे जानते हैं कि हासिम ने क्या बदतमीजी किया और क्यों किया है। मैडम आप बताइए हासिम ने आपके साथ क्यों बदतमीजी किया और आपने फिर आपने मैडम को लेके आप पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं गए, उसके खिलाफ आपने FIR क्यों नहीं करवाया? आशिम हमेशा जब भी आता है ऑफिस में बहुत बदतमीजी से बात करता है और हमारे प्रिंसिपल मैडम के बारे में और हमारे ट्रस्टी सर के बारे में बहुत गलत वर्ड्स यूज करता है और ये नहीं देखता है कि लेडीज स्टाफ है यहाँ पर, वो बस बदतमीजी शुरू कर देता है, हमारी लेडीज टीचर्स के बारे में बैड वर्ड्स यूज करता है जो कि बिल्कुल गलत है।
और हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ऊँची पहुँच का अपना बताता है कि मैं यहाँ जाऊँगा और बिल्कुल भी हमसे बिल्कुल रुकता नहीं है वो। तो जब हमसे नहीं रुकता है तो हम प्रिंसिपल मैडम तक आते हैं, बोलते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनता है और बिल्कुल बोलता है कि आप कौन होते हो और हमारे बिल्कुल परमिशन के बगैर वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, आप कोई नहीं हो, हम नहीं रुकेंगे आपके रुकने से, आप बिल्कुल अंदर स्कूल के, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि बिल्कुल अंदर घुसा बिना किसी के परमिशन के। कुछ गाली गलौज भी आपके साथ में, गाली गलौज करता है प्रिंसिपल के बारे में, अगर हम कहेंगे कि वो ऊपर लेक्चर ले रहे हैं तो ऊपर चले गए, मतलब आपकी मैडम ऊपर पहुंच गए, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, मीनिंग्स आए तो जो भी सही नहीं है, और सर के बारे में भी कि सर क्या कर लेंगे, सर हमारा कुछ नहीं करा सकते, ऐसे टाइप्स के वर्ड्स यूज करता है और स्कूल को बिल्कुल आके एक तमाशा क्रिएट करता है। जैसे कि आपने देख लिया ये इस तरीके से अगर गुंडागर्दी एक स्कूल के अंदर अगर होएगी तो स्कूल वाले कहाँ जाएंगे और अपना किसके आगे अपनी तकलीफ बताएंगे। वाइस प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के, इस बारे में कुछ हम इनसे भी बात करते हैं क्योंकि इनके साथ भी बदतमीजी कुछ हुई है। तो ये मैडम आप बताएंगे कि मतलब ये हासिम जो है ये आपके स्कूल में आता है तो किस तरीके से आपको मतलब हरेसमेंट करता है और बदतमीजी करता है, क्या कहता है वो? एक्चुअली ये जिस तरीके से भी स्कूल में आते हैं और हमारे एडमिन जो है वहाँ पर लेडीज़ बैठती है, उनका हमेशा बात करने का तरीका बहुत ही गलत रहता है। हमेशा वो ये प्रूव करते हैं कि जैसे कि वो बहुत बड़े कहीं के, मतलब समझ में नहीं आता है वो कौन से कार्य करता है और जिनको अभी तक बात करने की तमीज़ नहीं है, और आकर मतलब जो भी रेप्यूटेड पर्सन है हमारे यहाँ की स्कूल की प्रिंसिपल या जो भी चेयरमैन है उनके लिए वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट वाले वर्ड्स यूज़ नहीं करते और इतना ज़्यादा चिल्लम चिल्ली बाहर ऑफिस के बाहर करते कि वहाँ से जुड़ी भी हमारी नर्सरी क्लास है वहाँ के बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और काफ़ी वो लोग इस हंगामे से रोने लग जाते हैं और उन्होंने बहुत गलत इन्फॉर्मेशन बाहर फैला के रखी है कि हमारी स्कूल में टॉयलेट्स नहीं है। तो आप देख सकते हो कि हमारी स्कूल में गर्ल्स के लिए भी अलग टॉयलेट बनी हुई है, बॉयज़ लोग के लिए भी अलग टॉयलेट बनी हुई है, आरओ का पूरा वाटर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड है हमारी स्कूल के अंदर, हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये सब बातें बहुत मतलब गलत गलत बात हमारी स्कूल को लेके फैला रहे, तो यही मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि उनकी ये सब अफवाह पे प्लीज कोई ध्यान ना दें। अच्छा कितनी बार ऐसा हो चुका है? इन्होंने ये मेरे ख्याल से 3 या 4 बार इन्होंने ऐसे किए हैं और इनके खुद की बच्ची ये स्कूल में पढ़ती है और एज अ गार्जियन वो ये इसी स्कूल के बारे में इस तरीके से बोलते, जबकि हमारे चेयरमैन और हमारे प्रिंसिपल मैम इनको बहुत सपोर्ट कर चुके, इनकी लास्ट ईयर भी इनकी बच्चे की फ़ीस पेड नहीं थी और ये साल भी इनके बच्चे की फ़ीस पेड नहीं है, उसके बावजूद इनको कभी भी हम लोगों ने हैरेस नहीं किया। यहाँ के प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद, हम उनसे भी कुछ बात करते हैं। बिल्कुल मैं सर चाहूँगी इस तरह के जो लोग हैं स्कूलों में आकर के बदतमीजियाँ टीचर के साथ करते हैं और उनको पुलिस कंप्लेंट हम करना चाहेंगे, हमारा यही आखिरी वो है कि ज़रूर हमारी इस सब बातों को लेकर हम पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे। हाँ तो जैसे कि आपने देख लिया कि आप इन अब कुछ हद से ज़्यादा इनके यहाँ बदतमीजी होने लगी है ये आदमी जो है, तो इसके खिलाफ ये पुलिस स्टेशन में जाएंगे, कार्रवाई करेंगे और उम्मीद है कि मुमरा पुलिस इनकी पूरा पूरा इनकी मतलब एक हेल्प करेगी और इनकी मदद करेगी और ऐसे जो गुंडे लोग हैं या ऐसे जो अपराधी लोग हैं जो अपने आप को एक नगर सेवक या अपने कार्यकर्ता जो बताते हैं ऐसे लोगों की संख्या मुमरा से कम होगी। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए नमस्कार।